दोस्तों, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? ये 300, तो हम जानते हैं 324 किसका होता है? 18 का क्यूब, 18 का स्क्वायर होता है। तो ये 324, 18 कितनी हो जाएगा? 18 × 18, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? दो दो हो जाएगी। तो इसको कितनी 4 टाइम्स लिख लेंगे, कितने लिख लेंगे? 4 टाइम्स 72। भाग किससे देना? 18 की पावर 5 से देना, इंटू 1021। कितना? 1021। तो ये देखो, ये 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स क्या, ये कितना बचा? ये 4 बार गया जाएगा। 1 18 जो बचेगा, 18 × 72, 1000 उससे भाग दोगे कितना हो जाएगा? 1040 84। यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 84, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। कैसे? देखो, 18 × 18, ये 18 का स्क्वायर होता, 324 कितने का होता? 18 का स्क्वायर होता। तो ये 324 18 का स्क्वायर, तो 18 × 18, 18 की पावर 2, तो 18 कितनी बार हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर 318 का स्क्वायर है, तो उसकी पावर कितनी? 4 टाइम्स हो जाएगी। तो 4 टाइम्स से 4 टाइम्स कट जाएगा, 1 18 ये बचेगा, 1 18 ये बचेगा, इससे ये 72 को काट लेंगे, 4 टाइम्स चला जाएगा। और फिर इसकी 1021 चक्को करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 21 चक्को 84 और 40, कितना हो जाएगा? 40 84 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन से एक्स का मान पूछा, 2/5x प्लस का 3/10x माइनस का 3/5x बराबर 531 दिया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मैं ये देखता हूँ, इनको सबको एलसीएम में बराबर करना चाहता हूँ, एलसीएम बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा? 4x प्लस का 3x और यहाँ पे 6x, कितना हो जाएगा? 6x/10 बराबर 531 हो जाएगा। अगर मैं काटूंगा तो 4 × 3 = 7, ये 6x बराबर कितना हो जाएगा? 5310, यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5310 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है? इनको इनको जब जोड़ोगे, इनमें से इसको घटाओगे, ठीक है, सभी का एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या हुआ? 10 हुआ। 2 से यहाँ पे 2 से यहाँ पे करेंगे तो कितना? ये 4x, ये 6x, ये कितना हुआ? 7x, 1x बचा, ये 10 उधर चला गया, 5330 बचा, क्या 1x बराबर 5310, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब ये अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, 441/21 प्लस का 484 बराबर 1 × x दिया, x का मान पूछा है। तो ये मैं जानता हूँ कितना हो जाएगा, इसको रूट निकालोगे, 21 का स्क्वायर होता है, 21/21 प्लस का 484 कितने का होता है? 484 जो होता है ये 22 का होता है, और बराबर 1 × x हो जाएगा। इसको इससे काटोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1 बचेगा 22 से 23, यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, कितना हो जाएगा? कैसे किया देखो, इसको ये कितने 441 होता है, 21 का स्क्वायर, तो 21 से 21 निकल आएगा बाहर, तो इसको 21 से भाग दोगे कितना? 1 आ जाएगा। ये कितने का? 484, 22 का स्क्वायर होता, 22 हो जाएगा, 1 + 1 कितना? 22 से 23 हो जाएगा। x बराबर पूछा था, 1 × x करोगे, x बराबर कितना? 23, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन से, 15.73 दिया, 13.25 दिया, 16.73 दिया, और माइनस का 28.64 दिया, इंटू 3 × वो क्या होगा? तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? तो इसकी वैल्यू पूछा, बराबर क्या होगा? अगर मैं देखता हूँ, इनको इनको जोड़ोगे, 13 × 5 = 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 28। इसको इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 98। 28 × 98, 98 + 16.73। अब इसमें से 28 ये वो वाला माइनस कर दोगे, जब 28 × 64 माइनस कर दोगे 28 से, तो 28 ये पूरा कर जाएगा, और ये 4 जाएगा, ये कितना? 34 बचेगा। इसमें जब जोड़ दोगे, कितना जोड़ दोगे? 34 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। 17.07 बराबर
थ्री इंटू एक्स, इससे काट लो इसको, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। कितना बचेगा, 2 × 3 = 18, 2 × 3 = 27 बराबर x बराबर कितना, 56.5 पॉइंट, कितना आ जाएगा 5.69 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5.69 आ जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे किया देखो, हमको देखते ही पता चल गया, इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 28.98, 98 में से अगर हम 28.64 घटाते हैं तो कितना 0.34 बचता, 0.34 जब इसमें हम 73 में जोड़ देंगे तो 17.07 आ जाएगा। 17.07 बराबर कितना होगा, 3 × उसके जगह पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लिया, तो इसको हम काट लेंगे तो कितना आ गया 5.69 आ गया। ये मेरा मात्र 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन से 7 की पावर 4, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है 2, और इनटू 343 की पावर 2 दिया है, इनटू 17 प्लस इनटू 7 प्लस का 17 बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा, ये हमसे पूछा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं देखता हूँ 7 का स्क्वायर जब करता हूँ तो कितना होता, 7 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 7 का स्क्वायर 49 होता, 49 × 7 करोगे कितना होता, 243 होता, कितना होता 243 होता। तो सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, 7 का क्यूब कितना होता 343 होता, अगर मैं इसको खोलूंगा तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, अपान में कितना दिया 343, मतलब 7 की पावर 6 दिया हुआ, इंटू 7 दिया हुआ, प्लस का 17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17, इसकी पावर 6 चली जाएगी तो कितना 7 की पावर 2 बचेगी, 49 × 7 प्लस का 17 बराबर कितना हो जाएगा 243 प्लस का 7 बराबर कितना हो जाएगा 17, 360 हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा 360, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते, इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन से 1/12 × 1/12 × 1/12, अगर मैं ये देखता हूँ कि इसको मैं सबसे पहले इसको करूँगी, अगर 1/12 को करोगे तो इनटू क्या हो जाएगा, ये ऊपर 12 पहुंच जाएगा, फिर इसको जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये बटे में है तो ये भी पहुंच जाएगा, क्या पहुंच जाएगा, ये भी पहुंच जाएगा, अगर फिर देखते हो ये बटे में है तो ये भी क्या, ये भी गुड़े में पहुंच जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये भी गुड़े में हो जाएगा। उसके बाद इसको देखते हो तो ये भी क्या, ये भी गुड़े में हो जाएगी, इस 12 से ये 12 कट जाएगा, बचेगा कितना 12 का क्यूब, 12 का क्यूब बराबर कितना होता 1728 होता, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखो कैसे किया, अगर मैं इसको भाग करूंगा इससे तो ये क्या, ये ऊपर पहुंच जाएगा, फिर इसको इस वाले को इससे भाग करूंगा तो ये भी क्या होगा, बटे में है, ये भी गुड़े में, ये भी गुड़े में, ये भी गुड़े में, सभी क्या है जो बटे में है वो गुड़े में पहुंच जाए, तो ये कट जाएंगे, बाकी 3 बचेंगे, 12 का क्यूब कितना आ जाएगा 1728 हो जाएगा, यही मेरा आंसर। ये है क्वेश्चन, ये कैसे होगा, देखो 468 तो दिया ही है, 468 दिया हुआ, ये डिवाइडेशन, अगर हम 3/4 इंटू जब इसको क्या होगा, जब हटेगा तो ये गुड़े में ही रहेगा 15, 3 × 3 = 5, 4 × 4 = 4, माइनस का 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अगर फिर करोगे 468 भाग, ये सॉल्व करोगे, ये वाला ब्रैकेट जब सॉल्व करोगे 4/5 माइनस का 2/3, इसको जब करोगे 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा नीचे 15 आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 3 से इधर जाएगा, 3 × 12 इधर 5 × 2 = 10, 2/15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/15 हो जाएगा। अगर मैं इसको भाग दूंगा तो कितना 468 × 15/2 हो जाएगा, 2 से हम काटेंगे तो क्या कट जाएगा 2 × 2 = 2, 15 से करोगे 15 × 60 हो जाएगा, 6 × 15 = 45, 6 × 51 कितना 5 बचेगा, और 15 × 2 = 30, 6 × 3 = 35, 35 × 10 यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3510 मेरा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, 35/10 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।